Hello everyone, welcome to Kesmik English Academy. In today's video, we are going to learn about some of the rules or reported speech ke bise mein hum padhne ja rahe hain. So, ye video bahut helpful hone wala hai aap logon ke liye. So, aasha karta hu aap log is video ko pura ant tak dekhenge. Kyunki class 9 and class 10 ka jo bhi grammar ka syllabus hai, I am going to complete through this YouTube channel. So, मेरे साथ जुड़े रहिए, बने रहिए, उसके लिए आप लोगों को सब्सक्राइब बटन दबाना होगा और मेरे साथ कंटिन्यूसली आपको मेरे लाइव के साथ जुड़ना होगा. सबसे पहले हम बात करेंगे रिपोर्टेड स्पीच के ऊपर, रिपोर्टिंग वर्ब एंड रिपोर्टेड स्पीच. यहाँ पे रिपोर्टिंग वर्ब क्या होता है एंड रिपोर्टेड स्पीच क्या होता है लाइव सेक्शन में, वहाँ पर मैंने बताया हूँ लाइव में कि एग्जाम्पल के साथ कि रिपोर्टिंग वर्ब किसे कहलाता है और रिपोर्टेड स्पीच किसे कहलाता है. रिपोर्टेड स्पीच का मतलब एक्चुअल वर्ड्स भी होता है. ओके, अगेन आई एम रिपीटिंग इट, रिवाइजिंग इट, एक्चुअल वर्ड्स, ठीक है, जो स्पीकर ने कहा है उसको हम रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं. और रिपोर्टिंग वर्ब, सपोज वी हैव टू क्लॉजेस, यहाँ पे क्लॉज वन एंड क्लॉज टू है, ठीक है. क्लॉज टू में आपका रिपोर्टेड स्पीच रहता है तो क्लॉज वन में आपका रिपोर्टिंग क्लॉज रहता है, ठीक है. रिपोर्टिंग क्लॉज के अंदर आपको रिपोर्टिंग वर्ब मिलते हैं, ठीक है. ये चीज़ हम पहले वाले क्लास में डिस्कस कर चुके हैं और उसी तरीके से आज हम पढ़ने जा रहे हैं रूल्स फॉर द चेंज ऑफ टेंस, प्रोनाउन एंड अदर चेंजेस. जब हमें डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना होता है उस समय कुछ रूल्स हैं, जैसे टेंस को बदलना होता है, प्रोनाउन को चेंज करना होता है, ठीक है. एंड साथ ही साथ अदर चेंजेस पे होता है, जहाँ पे एडवर्ब्स, जो टाइम एक्सप्रेशंस होता है, सपोज दिस है डायरेक्ट स्पीच पे तो उसे हमें इनडायरेक्ट में दैट बनाना पड़ता है, ठीक है. और बहुत सारे चेंजेस होता है तो इन्हीं रूल्स को आज हम डिस्कस करेंगे. एक ही वीडियो में कवर कर पाना इट्स नेक्स्ट इम्पॉसिबल, क्योंकि ये टॉपिक जो है बहुत ही लेंदी है. इट्स क्वाइट नो, इट्स लेंदी टॉपिक. सो आज जितना हो सकता है उतना ट्राई करेंगे कि कवर करेंगे टेंसेस, प्रोनाउन एंड अदर चेंजेस कैसे होते हैं, इसको हम जानने की कोशिश करेंगे. रिपोर्टेड स्पीच को फ्रॉम डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट हमें चेंज करने से पहले कुछ ऐसे पॉइंट्स है और कुछ ऐसे रूल्स है जो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रूल्स है, जिसके बिना कुछ हो ही नहीं सकता, ठीक है. इस तरीके का रूल्स ये है जो पॉइंट्स आपको याद करना है, जैसे द एक्चुअल वर्ड ऑफ द स्पीकर पुट विद इन द इनवर्टेड कॉमा, ठीक है. जो एक्चुअल वर्ड्स ऑफ द स्पीकर जो है उसे हमें इनवर्टेड कॉमा में रखना पड़ता है. दूसरा रूल जो है, रिपोर्टेड स्पीच इज सेपरेटेड फ्रॉम रिपोर्टिंग वर्ब बाय कॉमा. रिपोर्टेड स्पीच को रिपोर्टिंग वर्ब के साथ हमें सेपरेट करने के लिए कॉमा का यूज़ करना होता है. और तीसरा पॉइंट है, द फर्स्ट वर्ड ऑफ अ रिपोर्टेड स्पीच बिगिंस विद अ कैपिटल लेटर, ठीक है, कैपिटल लेटर. एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, एग्जाम्पल, मोहन सेज आई विल गो टू दिल्ली, ठीक है. सो यहाँ पे एक्चुअल वर्ड ऑफ द स्पीकर पुट विद इन द इनवर्टेड कॉमास. सो एक्चुअल वर्ड आपका ये है, इसे हम रिपोर्टेड स्पीच भी कहते हैं और एक्चुअल वर्ड्स भी कहते हैं, ठीक है. एंड दूसरा रूल्स कहता है कि द रिपोर्टेड स्पीच इज सेपरेटेड फ्रॉम रिपोर्टिंग वर्ब बाय कॉमा, ठीक है. रिपोर्टिंग वर्ब हमें इसे हम इसे रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं और ये रिपोर्टेड स्पीच और रिपोर्टिंग वर्ब को सेपरेट करने के लिए वी नीड अ कॉमा, ठीक है, दूसरा रूल. और तीसरा है, द फर्स्ट वर्ड ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच बिगिंस विद अ कैपिटल लेटर, ठीक है. फर्स्ट वर्ड का मतलब ये वाला लेटर, रिपोर्टेड स्पीच का सबसे पहला लेटर ऑलवेज बिगिंस विद द कैपिटल लेटर, ठीक है. आई होप ये पॉइंट्स आपको समझ में आया होगा. सो चलिए, ये तो था, दिस इज ऑल अबाउट डायरेक्ट स्पीच, ठीक है, किसके बारे में, डायरेक्ट स्पीच के बारे में. चलिए अब हम बात करते हैं पॉइंट्स टू रिमेंबर इन इनडायरेक्ट स्पीच, ठीक है. इनडायरेक्ट स्पीच में आपको किस किस चीज़ का ध्यान रखना है. सबसे पहले, नो इनवर्टेड कॉमास आर यूज्ड. इनवर्टेड कॉमास का प्रयोग नहीं होता है जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच बनते हैं. इसका एग्जाम्पल भी दिखाऊंगा मैं आपको. ये रूल्स को पहले डिस्कस करते हैं, उसके बाद, द कॉमास सेपरेटिंग द रिपोर्टिंग वर्ब फ्रॉम रिपोर्टेड स्पीच इज रिमूव्ड, ठीक है. जो भी कॉमा रिपोर्टिंग वर्ब
और रिपोर्टिंग रिपोर्टिंग वर्ब से रिपोर्टेड स्पीच को जो कॉमा सेपरेट करने के लिए यूज़ किया जाता है उसे वी आर गोइंग टू रिमूव इट। ठीक है, तीसरा पॉइंट है द रिपोर्टेड स्पीच इन इज इंट्रोड्यूस्ड बाय सम कंजक्शन दैट इफ व्हाट व्हाई एक्सेट्रा। जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाएंगे तो वहाँ पे हमें दो सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए हमें कंजंक्शंस का प्रयोग करना होता है। ठीक है, या तो रिपोर्टेड स्पीच के आगे ये कंजंक्शन लगता है, जैसे दैट हो गया, इफ व्हाट व्हाई वेयर डब्ल्यू एच व्हाट, सारा का सारा कंजंक्शन यहाँ पे यूज़ किया जाता है जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में बनाते हैं सेंटेंस को। एंड फोर्थ पॉइंट इज द रिपोर्टिंग वर्ब चेंजेस अकॉर्डिंग टू द टेंस। ठीक है, रिपोर्टिंग वर्ब टेंस के हिसाब से चेंज होता है। ठीक है, और इसका भी मैं एग्जांपल बताऊंगा। और ई पे है द टेंसेस ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब इज नेवर चेंज, लेकिन टेंस के हिसाब से रिपोर्टिंग वर्ब चेंज होता है, लेकिन टेंस ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस कभी भी चेंज नहीं होता है। जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं उसका टेंस कभी भी हम चेंज नहीं कर सकते हैं, लेकिन द रिपोर्टिंग वर्ब चेंजेस अकॉर्डिंग टू द टेंस। लेकिन रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज किया जा सकता है, लेकिन टेंस ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब हमें कभी भी चेंज नहीं करना है। जैसे ही सेस, सेस है तो सेस ही रहता है, ही सेड नहीं होता है। ठीक है, जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं, इनडायरेक्ट स्पीच में जो हमारा रिपोर्टिंग क्लॉज होता है वहाँ पे, रिपोर्टिंग क्लॉज जो होता है वहाँ पे हमें जो टेंस जो है, टेंस कभी भी चेंज नहीं होता है रिपोर्टिंग वर्ब का, लेकिन हम रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द टेंसेस। टेंस के हिसाब से रिपोर्टिंग वर्ब को ही चेंज कर सकते हैं, लेकिन वी नेवर चेंज द टेंस ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब। नेक्स्ट पॉइंट है द मार्क ऑफ द पंक्चुएशन मार्क अदर देन द फुल स्टॉप आर रिमूव्ड। ठीक है, जितने भी पंक्चुएशन मार्क है फुल स्टॉप को छोड़ के, वो सारे को सारे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट जब बनाते हैं तो इनडायरेक्ट में ये सारे पंक्चुएशन रिमूव किया जाता है। एंड नेक्स्ट पॉइंट इज रिपोर्टेड, द रिपोर्टेड स्पीच इज चेंज इनटू असर्टिव सेंटेंस। ठीक है, जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाएंगे जो रिपोर्टेड स्पीच वाला पार्ट होता है उसे हमें किसी भी अदर टाइप्स ऑफ काइंड ऑफ सेंटेंस में हो, जैसे लाइक इंटरोगेटिव इम्पेरेटिव सेंटेंस में हो, तो उसे हमें असर्टिव में बनाना पड़ता है। ये हमारा लास्ट रूल है जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं। रूल्स हो गया, कुछ एग्जांपल देखते हैं कि ये रूल्स किस तरीके से अप्लाई होता है जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं। सो सबसे पहला देखिए, डायरेक्ट स्पीच पे द बॉय सेस और कॉमा, ठीक है, कॉमा से कॉमा के बीच में रिपोर्टेड स्पीच है, तो बॉय सेस और उसके बाद दिस इज माय हैंड। ठीक है, यहाँ पे इनवर्टेड कॉमास में रहता है, जब डायरेक्ट स्पीच में रिपोर्टेड स्पीच को हमें डायरेक्ट इनवर्टेड कॉमास के अंदर रखना पड़ता है, और ये रिपोर्टेड स्पीच को हम एक्चुअल वर्ड्स कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे ये बॉय किसी को कह रहा है, ठीक है, कि दिस इज माय स्कूल। अब इसको जब इनडायरेक्ट बनाएंगे तो यहाँ पे हमें एक कॉमास को, इनवर्टेड कॉमास को रिमूव करना पड़ता है। ठीक है, और ये कॉमा जो है रिपोर्टेड रिपोर्टिंग क्लॉज और रिपोर्टेड स्पीच को जोड़ने वाली कॉमा, इसको भी रिमूव करना पड़ता है। अब यहाँ पे द बॉय सेस एज इट इज रहता है, कॉमा हटा के दैट का प्रयोग करना होता है कंजक्शन का, एंड अगेन एक दैट यूज़ किया गया है, जिसको हमें दैट बनाना पड़ता है जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं, तो इज को वॉज बनाना पड़ता है, पास्ट प्रेजेंट में है तो पास्ट बनाना पड़ता है, और माई को हमें हीज कर देना पड़ता है, करना पड़ता है। ठीक है, ये रूल्स जब हम प्रोनाउन का रूल्स पढ़ेंगे तब हमें जानेंगे। जैसे माई है तो उसे हमें सब्जेक्ट, फर्स्ट पर्सन है तो हमें सब्जेक्ट के आधार से यहाँ पे चेंज करना पड़ता है। सो किसका स्कूल है, हिज स्कूल, बॉय का स्कूल, सो हिज स्कूल। ठीक है, कॉमा हटा के फुल स्टॉप रहता है। अनदर एग्जांपल, ही सेड टू मी, ठीक है, इनवर्टेड कॉमा के अंदर मैंने मार्क किया है, इनवर्टेड कॉमा के अंदर हमें रिपोर्टेड स्पीच को रखना होता है। जैसे आई एम नॉट वेल टूडे, ठीक है, जब हम ये इसको हम इनडायरेक्ट में बनाएंगे, इनडायरेक्ट स्पीच में, तो ही सेड टू, अगर सेड टू है पीछे ऑब्जेक्ट है और टू से जुड़ा हुआ है तो हमें टोल्ड बनाना पड़ता है, रिपोर्टिंग वर्ब चेंज होता है, रिपोर्टिंग वर्ब चेंज होता है और ये टोल्ड बन जाता है। ठीक है, लेकिन इसका टेंस वी कैन नॉट चेंज द टाइम और टेंस, जैसे पास्ट में है, ये पास्ट में है तो इनडायरेक्ट में भी हमें पास्ट में ही रखना पड़ता है। ओके, एंड यहाँ पे टू नहीं होता, टू भी होता है, मी लगाएंगे और उसके बाद ये कॉमा हटा के दैट यूज़ करेंगे कंजक्शन, और आई कौन है, आई ये ही है, तो ही यहाँ पे रहता है, और
एम वॉज बन जाता है, पास्ट में बनाना पड़ता है, वॉज नॉट, वेल का वेल रहेंगे, टुडे को हमें दैट डे करना पड़ता है, ठीक है, दैट डे। इस तरीके से ये कॉमा हटा के यहाँ पे जस्ट फुल स्टॉप, इस तरीके से वो जितने भी सारे रूल्स हमने आगे पढ़ा था वे सारे इस तरीके से रिपोर्ट स्पीच में अप्लाई होता है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं कुछ और रूल्स के साथ, और हम सीखेंगे कि असर्टिव से असर्टिव वाला सेंटेंस को कैसे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट करें, इंटरोगेटिव को कैसे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट करें, इंपेरेटिव को कैसे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट करें, और ऑप्टेटिव सेंटेंस और बहुत सारे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस जो है वो सारे को कैसे चेंज करें, हम धीरे धीरे इसको करेंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।